बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपको अपने पर विश्वास है, आप मानिए आप दुनिया बदल सकते हैं। शेर है बहुत बढ़िया कि कोई चराग जलाता नहीं सलीके से, मगर सब शिकायत हवा की करते हैं। तो आप जानना चाहते हैं कि आपका प्रश्न यह है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो शुरुआत आज डोंट से करते हैं। वैसे मैं हमेशा कहता हूं पॉजिटिव साइड से शुरू करें। तो सफल होने के लिए या फिर जिंदगी में परेशानियां कम हो, तनाव कम हो, इसके लिए मैं आपसे ये कह सकता हूं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसे हम 4C का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। सबसे पहला सी मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा आप कंप्लेंट ना करें, शिकायत ना करें हर चीज की। थोड़ा इसको इस तरह से समझा जाए, एक कोट मैंने पढ़ा था कि काम करने वाला शिकायत नहीं करता और शिकायत करने वाला कभी काम नहीं करता। जो आदत बन जाएगी हर बात पे कंप्लेंट करने की, याद रखिए कंप्लेंट, अगर हम मैथमेटिक्स की भाषा में बात करें तो कंप्लेंट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिएटिविटी, आपकी सृजन क्षमता को खत्म कर देगा। जितना आपके अंदर हर बात पे शिकायत करने की बात आएगी, मुझे ये नहीं हुआ, मुझे ये नहीं मिला, ऐसा होता तो ऐसा होता, तो मान के चलिए आपकी जो क्रिएशन रचनात्मकता है वो कम होती चली जाएगी। तो कंप्लेंट, हर बात पे कंप्लेंट करने से बचो। आज एक ओपन सेशन है, उसमें आपने एक क्वेश्चन पूछा, तो मैं एक कहानी, आपने एक उदाहरण सुना होगा और नहीं सुना तो जानना चाहिए। एक कैरोली टैकेक्स नाम का शूटर था, आपको आश्चर्य होगा आप सब जानते हैं इसी के बाद 1939 to 1945 क्या होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है ना। इसी समय ट्रेनिंग के दौरान ये जो कैरोल टैकेक्स है, इसका दाहिना हाथ बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और डॉक्टर जितने लोग हैं सब लोग कहते हैं कि अब तुम कभी भी पिस्तल नहीं चला सकते, क्योंकि राइट हैंड एक तरह से काम करना बंद कर चुका। अगर वो कंप्लेंट करता रहता, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा वो कुछ नया नहीं कर सकता। ये उदाहरण क्यों बताया जा रहा, और दुनिया में हर व्यक्ति इस उदाहरण को जानता है। आप एथिक्स के पेपर में या कहीं पर भी, और जब भी आपको डिमोटिवेशन हो, इस उदाहरण को रखिए, आपको आश्चर्य होगा उसने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस शुरू की और लेफ्ट हैंड से इतनी, अब सोचो जिंदगी भर जो राइट हैंडेड था, जिसे स्किल था और जिसने गोल्ड मेडल हासिल किया, लेकिन उसके बाद उसका राइट हैंड खराब हो गया, उसने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करना शुरू किया। और अभी दुर्भाग्य ही नहीं था, पता चला सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण बीच में ओलंपिक कैंसिल हो गए। ही हैड टू वेट, उसे इंतजार करना पड़ा अगले 10 साल का, पर बनना है, करना है तो करना है। और लास्ट में फिर जब वर्ल्ड वार समाप्त होता है 1948 और 1952, जब फिर से ओलंपिक होता है, वो लेफ्ट हैंड से केवल भाग नहीं लेता बल्कि क्या पाता है, गोल्ड मेडल। ये है। तो अगर वो कंप्लेंट की मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बहुत सारी कंप्लेंट में मैंने देखा, जो मेरा अनुभव है कि जो बचना चाहता है, जो काम करना नहीं चाहता, जो मेहनत करना नहीं चाहता, वो चीजों पे, परिस्थितियों पे डालता है। बहुत सारे आपने, चूंकि आप लोग यूपीएससी के विद्यार्थी हैं तो ये भी आपको पता होगा, हिंदी कंपलसरी में मुहावरे आते हैं, आपने सुना होगा कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। कई बार हम परिस्थितियों को जबरदस्ती दोष देते हैं जबकि हमारे अंदर स्किल नहीं होती। ठीक है, आपके बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, परिस्थितियों के आप शिकार हैं, लेकिन कंप्लेंट करने से क्या होगा, आप कुछ नया नहीं कर पाएंगे। इस आदत से बचिए, आगे बढ़िए, समय से लड़िए और लड़कर आगे बढ़ेंगे, आपको हमेशा जीत मिलेगी। तो पहला सी क्लियर है, कंप्लेंट नहीं करने का हर बात पे, नहीं तो निगेटिव एक तरह से एप्टीट्यूड बनता चला जाता है। एक शेर है बहुत बढ़िया कि कोई चराग जलाता नहीं सलीके से, मगर सब शिकायत हवा की करते हैं। अरे आप मेहनत करो, स्किल से काम करो, लगे रहो, जरूर होगा। और इसलिए बार बार अपनी एक हैबिट डालने से बचो कि हर बात पे कंप्लेंट मत करो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं क्यों ऐसा हुआ, इन चीजों से बचो। दूसरा अगर उदाहरण दूं तो मैं ये कह सकता हूं, टू मच क्राइंग, हर बात पर बहुत ज्यादा चिल्लाना रोना ये भी नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब आपका इमोशनल ब्रस्ट हो उस समय मत रोइए, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के नाते और जब बहुत कुछ अंदर भरा होता है, रोना चाहिए, लेकिन वो रोना, वो आपकी कमजोरी, आपका जो इमोशनल ब्रस्ट है, वो अपने में हो, अकेले में हो, अपने दोस्तों के साथ हो, अपने परिवार के साथ हो, क्योंकि उस समय जब आप रोते हैं तो बहुत सारी जो इमोशनल एक तरह से बातें होती हैं, ब्रस्ट होता है, वो निकल जाता है। और एज ए ह्यूमन बीइंग ऐसा कोई नहीं होता कि नहीं रोता होगा, लेकिन अगर खुलेआम पब्लिक
में आप अगर क्राइंग, और यहां मैं जब क्राइंग कह रहा हूं तो मच क्राइंग, तो याद रखिए इसका लोग मजाक बनाएंगे। मैं आप जिस उम्र में हैं आप लोग, जब विद्यार्थियों के लिए कहता हूं, तो बहुत ज्यादा अगर आप पब्लिक उसमें क्राइंग करते हैं तो लोग केवल मजाक उड़ाते हैं। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। अच्छा सा कोई मौसम, तनहा सा कोई आलम, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। निधा फाजली की ये लाइन यह बड़ी मुफीद है, बहुत फेवरेबल है कि हर वक्त रोना, हर जगह रोना, और क्राइंग अगर आपकी हैबिट बन जाए तो ये बेकार का रोना है। याद रखिए दूसरों की दुखों से कोई आपको, जब आप रोते हैं तो आपको कोई बहुत ऐसा सपोर्ट नहीं मिलेगा, बल्कि वो पीछे से मजाक ही उड़ाएंगे, और एक आदत बन जाती है क्राइंग की। इसलिए टू मच क्राइंग भी नहीं होना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि यहां पर जरूरी है, आप अगर रो रहे हैं तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए जहां आपका इमोशनल सपोर्ट। इस पे मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर आपको अगर एहसास है, तो जब ऐसे समय में जब इमोशनल ब्रस्ट होता है, अगर आपके पास अपना कोई बेहतर दोस्त नहीं है, आपका कोई हमसफर नहीं है, अगर आपका साथी नहीं है, तो ये मानिए कोई ना कोई आपके पास गलती है। आप जरूर कुछ अच्छे दोस्त बनाइए, कुछ परिवार के लोग जिनसे आप अपनी बातें रख सकें। अगर ये है तो बहुत सारा स्ट्रेस ब्रस्टिंग होता रहता है। क्योंकि एक चीज याद रखिए कि जब आदमी कोई भी रोता है तो वो अपनी इमोशन शेयर करना चाहता है, और शेयर जब किसी के साथ किया जाए, आप देखिए बहुत सिंपल सी बात, अगर कोई आपका अपना आपके पास रोता है, कहते हैं चुप हो जाओ यार, सब ठीक हो जाएगा। और जब सब ठीक हो जाएगा, वास्तव में इस चीज से सब ठीक हो जाएगा कि बचाए, हमें यह सोचना चाहिए, या ऐसा कोई कहने लगे कि सब ठीक हो ना हो, बुरा भी होता रहेगा लेकिन हम तुम्हारे साथ, उस समय इसको इमोशन हैंड चाहिए, उसे साथ चाहिए। इन जनरली आप लोग सब बताइए, आपका दोस्त कोई रो रहा है, अगर वो बगल में, तो आप यही कहेंगे ना यार हो जाएगा, एक्सीडेंटल था, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वास्तव में अगर ये आदत बन जाए कि सब ठीक होना हो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे एक दो दोस्त, ऐसे एक दो लोग मिल जाएं, आप मान के चलिए उनके साथ क्राई, उनके सामने क्राइंग कर सकते हैं। लेकिन हर जगह करोगे तो याद रखना रोने वालों का मजाक उड़ाता है। अगर आपने चाणक्य नीति, आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सब कुछ चलता है, तो अगर आप केवल रोने की आदत डाल लेते हैं तो यह भी निगेटिव है, आपकी क्रिएटिविटी को, आपके पॉजिटिव एप्टीट्यूड को यह जो है रोकता है। इसके बाद जो यहां पर मैं एक बात एपीजे कलाम साहब की बताऊंगा कि उन्होंने एक बार कहा था कि हैंडसम का मतलब है गिव योर हैंड टू सम। अगर आप किसी की मदद करते हैं, हैंडसम वो नहीं है जो देखने में स्मार्ट है, देखने में सुंदर है, कोई फिल्म एक्टर है, बल्कि मानवीयता की नजर में हैंडसम वो है जो दूसरों की मदद के लिए अपना हाथ आगे रखता है। तो याद रखिएगा ऐसे में क्राइंग यू जस्ट गो फॉर दिस काइंड ऑफ हैंडसम मैन, हैंडसम फ्रेंड। तीसरा मैं ये चाहूंगा कि क्रिटिसिज्म, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म से बचें। अगर मैं दोनों पक्ष लेके चल रहा हूं, आप तो ये भी जानते होंगे कि कबीरदास ने कहा था निंदक नेरे राखिए। हमेशा अगर आपको आगे बढ़ना है, दोस्तों की परिभाषा भी होती है कि वो आलोचक हो, क्योंकि वो कमियां बताता है। जब हम क्रिटिसिज्म को टू मच हम जब करने लगते हैं, हर बात पे आलोचना, जिसे वास्तव में हम कैविल बोलें, अगर हम कैविल बोलें, जिसको हम हिंदी में कहते हैं छिद्रान्वेषण, इससे भी बचना है, क्योंकि अतिशय क्रिटिसिज्म से दोनों तरफ से नकारात्मकता फैलती है। एक तो जिसका आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं, वो किस रूप में लेता है। आप हर बात पर अगर बुराई करेंगे, हर बात पे आलोचना करेंगे, तो हो सकता है उस आदमी की पॉजिटिविटी को आप खत्म कर रहे हो। आप बार बार अगर किसी से अच्छा बिहेव नहीं कर रहे और उसमें केवल बुराइयां ढूंढ रहे हैं, केवल कमियां ढूंढ रहे हैं, तो केवल कमी ढूंढोगे तो उसके अंदर भी उस जो व्यक्ति है, जो उसका अपना विकास हो सकता था, जिस स्थिति में वो जा सकता था, जो बिहेव कर सकता था, वो नहीं करेगा। उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल आने लगेगा, यार सही में क्या मेरे में कमी है, क्या वास्तव में मैं ये नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ आपका भी जो एप्टीट्यूड होगा, आप भी हर चीज में, आप जानते ही हैं
जीवन वास्तव में एक प्रोस्पेक्टिव है, एक नजरिया है। अगर आप कमियां ढूंढने लगेंगे तो ऑब्वियसली आपकी अप्रोच निगेटिव होती चली जाएगी। आप हर चीज में जब कोई चीज सामने आई तो आप उसमें अच्छाई और सौंदर्य नहीं ढूंढेंगे, सबसे पहले आप उसकी कमी ढूंढने लगेंगे। और याद रखिए, ये बड़ा निगेटिव एप्टीट्यूड है, क्योंकि जो ये मानवीय, ये जो जिंदगी है जिस रूप में मिली है, हमें थैंक्स टू गॉड कहना है और इसमें जो पॉजिटिविटी ला सकते हैं, जो उसका सकारात्मक पक्ष है ला सकते हैं, उसके बारे में जरूर देखना चाहिए। मैं यहां पर एक बात कहूंगा कि कैसे आलोचना या किसी बात की जगह समर्थन या पॉजिटिव रूप कैसे जो है किसी की दुनिया बदल सकता है। मैं एक फिर इंस्टांस सुनाऊंगा। आप सबने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, आप गेस कीजिएगा कौन है। सबसे पहले एक बच्चा अपनी माँ के पास आता है स्कूल से और कहता है कि माँ, स्कूल वालों ने ये पत्र दिया है और कहा है अपनी माँ को पढ़ाना। माँ ने वो पत्र पढ़ा और पत्र पढ़ने पर जैसे ही पत्र पढ़ा वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई और उन्होंने कहा, बेटा इसमें लिखा है कि तुम जीनियस हो और तुम उस लेवल के जीनियस हो कि तुम्हें अभी इस स्कूल की क्लासेज में, अच्छा हमारा जो स्कूल है वो अपडेट नहीं है उस लेवल पे, ऐसे लोग नहीं है, आप इसे अपने यहां ही पढ़ाइए, अपने पास ही पढ़ाइए, क्योंकि इस लेवल का जो इसकी जीनियस वो है वो हम यहां पर मैच नहीं कर पा। कुल मिलाकर माँ ने उसे जब तक वो जिंदा रही अपने से ही पढ़ाती रही और बाद में ये वही लड़का है जो ये बल्ब देख रहे हैं, जो बहुत सारे ऐसे आविष्कार हैं जिसने दुनिया बदल दी। उसका नाम था थॉमस एल्वा एडिशन। और जब एडिशन इतना बड़ा वैज्ञानिक हो गया, सबने कहा क्या जीनियस आदमी है, बाद में जब उसकी माता मर गई, उन्होंने संदूक खोला तो वो लेटर दिखा और उस लेटर में लिखा था कि आपके बच्चे की मानसिक विकृति है, ये बहुत कमजोर बच्चा है, ये पढ़ने लायक नहीं है, इसे स्कूल मत भेजिए, हम इसे नहीं पढ़ाएंगे। केवल एक छोटी सी बात, किस तरह से कब कहां किसके ऊपर असर होता है इसे जानना बड़ा जरूरी है। सोचिए, एक सपोर्ट ने उस बाल मन पर क्या असर डाला होता अगर सही बोलती। लेकिन उन्होंने कहा जीनियस हो और उस तरीके से उसको छुपाकर बताया, तो आज वो हम पूरी दुनिया में जिस व्यक्ति को जानते हैं, वैज्ञानिकों की अगर टॉप 20 सूची बने तो थॉमस एल्वा एडिसन का नाम आएगा ही आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि किस रूप में आपको देखना है, क्रिटिसिज्म कहां होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, यह भी जानना जरूरी है। आलोचना करो, अगर दोस्त है, अगर पूछता है कमियां क्या है वो करिए, क्योंकि आलोचक अगर सही है तो एक बात तो जरूर होती है कि जैसा कहा गया कि वो तो आपके अंदर, आप बिना जो आपका व्यक्तित्व का विकास है वो कैसे होगा, वो आलोचक बता देता है। जैसा मैंने कहा, निंदक नियरे राखिए जामे, है ना। लेकिन अगर हर बात पे क्रिटिसिज्म, मैंने बोला ना ये, इसको आप क्रिटिसिज्म से ज्यादा कैबल समझिए, छिद्रान्वेषण। अगर हर बात पे कमी निकालने लगेंगे तो ये अपने व्यक्तित्व को मारता है और आपकी पॉजिटिविटी को रोकता है। उदाहरण भी इसीलिए दिया कि कैसे किसी दूसरे तरीके से आगे बढ़ना चाहिए आप, इसलिए बहुत ज्यादा हर बात पे क्रिटिक मत करो। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो चौथा सी है वो है कंपेयरिंग, तुलना। हर बात पे दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, रिन का एक ऐड आता था, उसके पास पैसा है वो कार से आता है, मेरे पास नहीं है, मेरे मम्मी पापा ने क्या दिया, उसकी गर्लफ्रेंड सुंदर है, उसकी वाइफ सुंदर है, ऐसे कंपैरिजन हमेशा दुख देते हैं, स्ट्रेस पैदा करते हैं। आप क्या है, हर व्यक्ति यूनिक होता है और जब हर व्यक्ति यूनिक है, आपकी अपनी क्वालिटी है, आपकी अपनी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है, आपकी अपनी एक स्पेशल फ्रिक्वेंसी है, आप इस बात को जानिए। लिखा है ना, आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। अगर आप या आप तो दीपो भव, नो दाई सेल्फ, अगर आप अपने को पहचानते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ, अगर आपको अपने पर विश्वास है, आप मानिए आप दुनिया बदल सकते हैं। कंपेयर भाई एक सामाजिक जीवन है, एक मानवीय जीवन है, मैं नहीं कहता कि तुलना होगी नहीं, एक ह्यूमन है, एक ह्यूमन वर्क है कि कंपेयर होगा, लेकिन हर बात पे तुलना करना, इससे केवल और केवल कष्ट मिलता है, क्योंकि कंपैरिजन का एक लेवल है और अगर थोड़ा कंपेयर करते भी हो तो उसके बाद उसे हासिल करने के लिए एक्ट करो। केवल सोच कर बैठकर
केवल यह कहना कि नहीं उसको सब कुछ मिल गया और मेरे पास उसकी तुलना में कुछ है, नहीं है, यह केवल कष्ट देगा। जिंदगी में सफल होना है, आगे बढ़ना है, तुम क्या हो प्रतिदिन तुमने देखो कि तुम्हारा विकास कैसे हो रहा है, तुम कहां तक आगे बढ़ रहे हो। अगर हो सकता है बहुत सारे लोग धनी देखे हो तुमने, लेकिन तुम्हें क्या पता वो किस तरह के दुखों से सामना करना पड़ रहा है। अडानी अंबानी के पास बहुत पैसा दिखता है, लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं आप नहीं समझ सकते। आप जिस रूप में हैं, आप लोग जो बैठे हैं इस उम्र में, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन आपको लगता होगा कि नहीं आपके पास कम है या आपसे सुखी वो है। लेकिन जब आप जानेंगे, हो सकता है उसके पास स्वस्थ शरीर ना हो, हो सकता है उसको डायबिटीज हो सकता है उसको ब्लड प्रेशर हो। याद रखिए, सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आपके पास इतना दिमाग है कि आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं, और हाथ है कि कर्म कर सकते हैं, पैर है चल सकता है, तो मान के चलिए आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने इस क्लास में एक से एक ऐसे बच्चों को देखा है जिनका बैकग्राउंड एजुकेशन बहुत अच्छा नहीं है। कोई आईआईटी से आया मान लीजिए, अब वो आईआईटी का लड़का है और मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक जिसमें भी किया है, और एक लड़का केवल बीए करके आ गया। अब बीए करके आया और केवल कंपैरिजन करते रहो कि यार मैं तो पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री और मैंने तो इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं की, तो आईटी कानपुर का लड़का है, ये तो कानपुर की लड़की है, मैं कैसे जाऊंगा। बताइए, पहले दिन ही आप कमजोर हो गया नहीं? ऑब्वियसली आप क्या है, बिलीव इन योरसेल्फ। अभी 2017-18 की साक्षीगर जो कहानी है, आप खुद बताइए, काशी विद्यापीठ के एफिलिएटेड कॉलेज से रॉबर्ट्सगंज के एक स्कूल में एडमिशन है, सिंपल बीए पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के साथ, और वो सेलेक्ट हुई, और उसी साल बहुत सारे इंजीनियर थे जो सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो आप क्या हैं, आप क्या सीख रहे हैं, आप कैसे बढ़ रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन बहुत नहीं करना चाहिए, हर बात पे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आप खुद सोचिए, जब हम भारत की बात करते हैं, भारत के विकास की बात करते हैं, तो क्या हम अमेरिका से साम्यता कर सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया और यूएसए सेम मॉडल पर विकसित होंगे? अरे भाई, इनकी पॉपुलेशन, अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन उतनी नहीं है जितनी हमारे पास अर्बन पॉपुलेशन है। इसका मतलब यह है विकास का मॉडल सोच हमारे हिसाब से होगा। आपने चुनाव में सुना होगा कि गुजरात मॉडल वर्सेस बिहार मॉडल। अब गुजरात का मॉडल, बिहार मॉडल अगर अलग ना हो तो क्या ये विकास हो पाएगा? ऑब्वियसली कंपैरिजन एक तरह से भले आप एक सीमित दायरे में करें, लेकिन याद रखिए इसकी परिस्थितियां अलग हैं, यहां पर जीवन शैली अलग है, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, ये दूसरे तरीके से होगा। अगर बिहार को विकसित करना है तो उसे दूसरे तरीके से ही करना पड़ेगा, उसकी जरूरतों के अनुसार, उसके डिमांड के अनुसार। तो इसलिए इस तरह की चीजें, कंपैरिजन हमेशा दुख देता है। तुलना, और अगर कंपेयर करना है और कहीं आता है तो आप अपने अंदर स्किल पैदा कीजिए। अगर कोई ना कोई ऐसी बात है, कोई आता है और कहता है, अगर आपने वो फिल्म दीवार देखी होगी तो कहता ना कि मेरे पास पैसा है, बैंक बैलेंस है, कार है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? तो कहता है मेरे पास माँ है। उसी तरह आप भी कोई स्किल डेवलप कीजिए। हो सकता है किसी के पास कुछ हो, किसी के पास एक्स है, किसी के पास वाई है, किसी के पास जेड हो, आप भी कैपेबिलिटी पैदा कीजिए। एक्स वाई जेड नहीं, कम से कम ये यस मेरे पास ए है, ये कैपेबिलिटी तो आपको पैदा करनी पड़ेगी। तो कंपैरिजन जो है ये हमेशा ज्यादातर परेशान करता है। और याद रखिए, जब भी आपको ऐसा लगे, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो जो पहला पेज है एनसीईआरटी का, उसमें गांधी जी की संकल्पना दी हुई है, और आपको लगने लगे कि नहीं मेरे साथ बुरा हो रहा है, तुलना कर रहे हैं या क्रिटिसिज्म कर रहे हैं या कंप्लेंट कर रहे हैं, तो वो गांधी जी की बात याद रखिए कि जिस दिन आपको ऐसा लगने लगे कि आप दुखी हैं, तो जाकर देखिए जो अंतिम व्यक्ति है उसका हाल क्या है। आपसे बहुत दुखी लोग हैं। आप ईश्वर को रोज धन्यवाद दीजिए अगर आप स्वस्थ हैं कि आपने ऐसा पैदा किया, और उस पर लग जाइए, क्योंकि अंतिम व्यक्ति जो है जिसके कारण अंत्योदय योजना शुरू हुई, आप उससे बहुत अच्छी स्थिति में, आपको कम से कम रोटी कपड़ा और मकान मिल रहा है, आप एसी में बैठकर इस क्लास में पढ़ रहे हैं। ये सारी बातें ऐसी हैं कि आपको खुश होना चाहिए। कंपेयर करके नाहक ही कि कोई ऐसा है, अपने आप को दुख मत दीजिए। सबसे ज्यादा फेल्योर, सबसे ज्यादा तनाव मैंने इस कारण से देखे कि मेरे साथ ऐसा क्यों। तो उससे भी देखिए कि आपसे भी जो नीचे लोग हैं, आपसे भी जो एक तरह से डिप्राइव लोग हैं, उनसे तो आप सुखी है ना, है ना। एक बहुत अच्छा किसी फिल्म का गाना था कि
जीवन में कितना दुख है, मेरा दुख कितना कम है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह से चीजों को लेने की आदत डालिए। तो आज अभी आपने जब क्वेश्चन पूछा तो डोंट में क्या नहीं करना चाहिए, डूज फिर कभी, डोंट में मैं कहूंगा 4C आपको याद रखना चाहिए। आप बहुत ज्यादा कंप्लेंट करने की आदत से बचें, आप बहुत हर बात पे क्राइंग ना करें, आप हर बात पे क्रिटिसिज्म से बचें, और चौथा, क्योंकि क्रिटिसिज्म में आपको याद होगा हमारे यहां कहा गया है सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात ना ब्रियात सत्यम अप्रियम, सत्य बोलो प्रिय बोलो कड़वा सत्य मत बोलो, क्योंकि जीवन के संचालन में सब कुछ लेकर चलना होता है। और चौथा, जैसा मैंने कहा लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कंपेयर कंपैरिजन। ये चार चीजें अभी अपनी जिंदगी में, अभी अभी तैयारी में आप लेकर चलिए, निश्चित ही आपको थोड़ा पॉजिटिविटी मिलेगी और आप सक्सेस की ओर बढ़ेंगे।